नमस्कार आदाब, मैं हूं आपके साथ अनम और आप देख रहे हैं अमरनाथ समाचार न्यूज चैनल। आइए दिखाते हैं इस वक्त ताजा। फूलपुर आजमगढ़ में नहाए खाए के साथ सोमवार से छठ पर्व शुरू हो जाएगा। नगर सहित जिले के विभिन्न इलाकों में इसे मनाने की तैयारी तेज हो गई है। रविवार को लोग घाटों की सफाई कर वेदी की तैयारी कर अपना स्थान सुरक्षित कर रहे हैं। श्रद्धालु नदियों, तालाबों और पोखरों के घाटों पर अपनी अपनी वेदी बना रहे हैं। इसके साथ ही पूजन सामग्री की बिक्री तेज हो गई है। डाला छठ पर नगर क्षेत्र में मड़िया स्थित तमसा तट पर श्रद्धालु सफाई कर वेदी बना रहे हैं। एकलव्य घाट पर लोगों ने वेदी बना ली है। इसके साथ ही नरोली घाट, पुराना पुल के पास, गौरी शंकर घाट और कदम घाट बड़ी संख्या में व्रती महिलाएं भगवान सूर्य को अर्घ्य देती हैं। सभी स्थानों पर श्रद्धालु सफाई के साथ वेदी बनाने में जुटे हैं। फूलपुर में दुर्वासा धाम और निजामाबाद के दत्तात्रेय भैरव बाबा धाम सहित अन्य स्थानों पर छठ के दिन मेला लगता है। छठ पर्व 10 नवंबर को है, इसकी तैयारी शुरू हो गई है। लालगंज निवासी विजय प्रताप शास्त्री के अनुसार 8 नवंबर से छठ पर्व शुरू हो जाएगा। 8 नवंबर सोमवार को नहाए खाए, 9 नवंबर मंगलवार को खरना और 10 नवंबर को व्रती महिलाएं अस्ताचलगामी सूर्य को विधि विधान से अर्घ्य देंगी। साथ ही 11 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करेंगी।